हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट टाइम हम एक्सरसाइज 4.1 कर चुके थे, आज हम एक्सरसाइज 4.2 करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड देन बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है? सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन की मीनिंग क्या है? अगर आपके पास इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो इस इक्वेशन में एक्स और वाई की वो वैल्यूज़ जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, उसे हम क्या कहेंगे? सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। यानी सॉल्यूशन की मीनिंग क्या हुई? एक्स और वाई की वो वैल्यूज़ जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, इसे ही हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो हमें क्या होगा, क्वेश्चन में गिवन होगा हमें इक्वेशन और कहेगा कि फाइंड दी सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये आपका इक्वेशन कैसा था? लीनियर इक्वेशन है बट इन टू वेरिएबल्स है। तो सॉल्यूशन जो हम फाइंड कर रहे हैं किसके लिए फाइंड कर रहे हैं? लीनियर इक्वेशन बट इन टू वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के केस में क्या होता है? हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो हमेशा जब आपके पास इक्वेशन गिवन होगी लीनियर इक्वेशन और अगर वो टू वेरिएबल्स में, तो उस केस में आपको इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। यानी आप जितना चाहें उतना फाइंड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं इक्वेशन लिख दूँ, दिस इज़ 4x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल्स टू ज़ीरो, इसमें आपको इसके सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं, यानी एक्स और वाई की वैल्यूज़। तो इसमें अगर आप एक्स की वैल्यू ज़ीरो रखें, अगर आप एक्स को ज़ीरो पुट कर रहे हैं, तो उस केस में वाई क्या आ जाएगा देख लेते हैं। 4 × 0 प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो ये तो पूरी तरीके से ज़ीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा 3y माइनस 9 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये 3y है, ये माइनस 9 उधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 9। 3 से 3 कैंसिल होगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। यानी पेयर ऑफ वैल्यूज़ क्या मिल रही हैं? तो वैल्यूज़ जो मिलेंगी, x 0 मिल रही हैं और y 3 मिल रही हैं। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। लेकिन आप चाहे तो x की वैल्यू 1 भी पुट कर सकते हैं या फिर y भी 0 पुट कर सकते हैं। अगर आप y को ही 0 पुट कर दें, y को ही अगर आप 0 पुट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 4x प्लस 3 × 0 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट 4x, ये तो 0 हो गया, माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट 4x इज इक्वल्स टू 9, ये यहाँ पे आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ रही है? 9/4। तो पेयर ऑफ वैल्यूज़ क्या है? आपको x की वैल्यू मिल रही है 9/4, लेकिन आपने y क्या रखा है? 0। तो इसी तरीके से हम चाहे तो x की वैल्यू 1 पुट कर सकते हैं या फिर y की वैल्यू 1 पुट कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, मर्जी हमारी है। इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे इसीलिए सिर्फ यही इसी वजह से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 4.2, क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई? वाई इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5 हैज़। आपको कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है और क्यों? इक्वेशन क्या है? वाई इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5। तो ये इक्वेशन क्या है? लीनियर इक्वेशन है और इन टू वेरिएबल्स है। दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो ऑप्शन क्या है? यूनिक सॉल्यूशन। क्या इस इक्वेशन के पास यूनिक सॉल्यूशन है, यानी ओनली वन या फिर ओनली टू सॉल्यूशंस, या फिर सिर्फ दो सॉल्यूशंस हैं, या फिर ऑप्शन है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, यानी बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो हमने अभी आपको बताया कि लीनियर इक्वेशन हो और टू वेरिएबल्स में हो, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन अभी बताया गया है। तो इसके पास क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन। यानी ये गलत है, यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, ओनली टू सॉल्यूशन भी गलत है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। रीज़न क्या देंगे हम? इसने पूछा क्वेश्चन वाई, तो रीज़न यही है कि ये लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स में, इस वजह से इसके पास क्या है? बहुत सारे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपको हर इक्वेशन के लिए कितने सॉल्यूशन लिखने हैं? 4। आपको हर इक्वेशंस के लिए 4 सॉल्यूशंस लिखने हैं। तो चलिए करते हैं। तो पहला इक्वेशन यही था, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7। इसके लिए क्या करेंगे? हम 4 सॉल्यूशंस लिखेंगे। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम पुट कर लेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू 0। मर्जी आपकी है, 1, 2 कुछ भी पुट करें, लेकिन बेटर ये होता है कि आप स्टार्टिंग में x और y दोनों की वैल्यू एक एक बार 0 पुट करें, उसके बाद 1, 2, 3। ठीक है, तो हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं। तो 2 × 0 प्लस y इज इक्वल्स टू 7। 2 × 0 इज़ वॉट? 0 प्लस y इज इक्वल्स टू 7।
जीरो प्लस वाई मीन्स वाई इज इक्वल्स टू सेवन। तो वैल्यूज़ क्या है, आपने x की वैल्यू जीरो रखी तो y क्या आ रहा है सेवन, जीरो कॉमा सेवन। फिर पुट कर लीजिए आप एक बार, पुट y इज इक्वल्स टू जीरो, वाई की वैल्यू जीरो पुट कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, टू एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या पुट किया हमने, जीरो इज इक्वल्स टू सेवन। दिस इम्प्लाइज दैट टू एक्स इज इक्वल्स टू सेवन। तो x की वैल्यू क्या आई, x इज इक्वल्स टू सेवन, नीचे आ जाएगा टू, सेवन बाई टू। तो आपका पेयर क्या बना, सेवन बाई टू कॉमा जीरो। दो सॉल्यूशंस फाइंड हो गए, लेकिन आपको फोर सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए कहा है। एक बार आप x की वैल्यू वन रख लीजिए, पुट x इज इक्वल्स टू वन, हम x की वैल्यू वन पुट कर लेते हैं तो टू इंटू वन प्लस y इज इक्वल्स टू सेवन, टू इंटू वन इज वॉट टू प्लस y इज इक्वल्स टू सेवन। यहाँ से y क्या आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू सेवन, ये इधर आएगा माइनस टू। दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल्स टू सेवन माइनस टू इज फाइव। तो पेयर क्या बना आपका, x है वन और y क्या है फाइव, वन कॉमा फाइव। अब आप y की वैल्यू वन पुट कर लीजिए, पुट y इज इक्वल्स टू वन। अगर हम y की वैल्यू वन पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, टू एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू सेवन। दिस इम्प्लाइज दैट टू एक्स इज इक्वल्स टू सेवन, ये प्लस वन है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा माइनस वन, सेवन माइनस वन क्या होता है सिक्स। तो टू एक्स इज इक्वल्स टू सिक्स, दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू सिक्स बाई टू, ये क्या हो जाएगा टू थ्री जै सिक्स। तो पेयर क्या आया, आपने आपको x की वैल्यू मिली है थ्री और y क्या पुट किया था आपने वन। तो फोर सॉल्यूशन हमने फाइंड कर लिया, एक दो तीन चार, ठीक है, वन टू थ्री एंड फोर। नेक्स्ट इक्वेशन है पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू नाइन। आपको इसके लिए भी क्या फोर सॉल्यूशन फाइंड करना है, हम सेम मेथड यूज़ करेंगे। पहले आप एक्स की वैल्यू पुट कर लीजिए जीरो, पुट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, तो क्या हो जाएगा पाई इंटू जीरो प्लस वाई इज इक्वल्स टू नाइन। पाई इंटू जीरो क्या होगा जीरो, जीरो प्लस वाई इज इक्वल्स टू नाइन। तो वाई क्या है यहाँ से, वाई आपको यहाँ से मिलेगा नाइन, वाई इज इक्वल्स टू नाइन। तो पेयर क्या हो गया, एक्स जीरो वाई नाइन। अब क्या करेंगे आप, y की वैल्यू जीरो पुट कर सकते हैं, तो चलिए y की वैल्यू जीरो पुट कर लेते हैं, पुट y इज इक्वल्स टू जीरो। तो पाई एक्स प्लस वाई क्या है जीरो इज इक्वल्स टू नाइन। दिस इम्प्लाइज दैट पाई एक्स इज इक्वल्स टू नाइन। तो x क्या हो जाएगा यहाँ से, x आपको मिलेगा नाइन बाय, ये पाई मल्टीप्लीकेशन में है तो कहाँ जाएगा डिवीजन में, तो x मिला नाइन बाय पाई। तो पेयर क्या हो गया, नाइन बाय पाई कॉमा जीरो, बिकॉज y क्या था जीरो। अब हम क्या करेंगे, चलिए x की वैल्यू वन पुट कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल्स टू वन, पाई इंटू एक्स मीन्स पाई इंटू वन प्लस वाई इज इक्वल्स टू नाइन। दिस इम्प्लाइज दैट पाई इंटू वन क्या हो जाएगा, पाई प्लस वाई इज इक्वल्स टू नाइन। वाई क्या मिलेगा आपको यहाँ से, वाई इज इक्वल्स टू नाइन माइनस पाई। वाई क्या मिला आपको, नाइन माइनस पाई। तो पेयर क्या हो जाएगा, x पुट किया आपने वन, y मिल रहा है आपको नाइन माइनस पाई, वन टू थ्री। तो आपको थ्री सॉल्यूशन मिल गए, एक और सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो फोर्थ सॉल्यूशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, y की वैल्यू वन पुट कर सकते हैं, पुट y इज इक्वल्स टू वन, हम y की वैल्यू वन पुट कर लेंगे। तो पाई x प्लस y क्या पुट किया हमने, वन इज इक्वल्स टू नाइन। तो पाई x ये वन क्या है, यहाँ पे आएगा तो नाइन माइनस वन, नाइन माइनस वन क्या होता है एट। तो पाई एक्स इज इक्वल्स टू एट, तो एक्स क्या मिलेगा आपको एट बाय पाई। तो पेयर क्या हो गया, एट बाय पाई कॉमा वन। तो ये हो गया आपका फोर्थ सॉल्यूशन। इसी तरीके से थर्ड पार्ट को कर लेंगे। थर्ड पार्ट के लिए आपके पास इक्वेशन है एक्स इज इक्वल्स टू फोर बाई, इसके लिए भी फोर्थ सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू जीरो पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू जीरो। अगर हम x जीरो पुट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, जीरो इज इक्वल्स टू फोर वाई। दिस इम्प्लाइज दैट y क्या आएगा, y इज इक्वल्स टू जीरो बाई फोर, जो कि जीरो ही आएगा। तो अगर आपने x की वैल्यू जीरो पुट की है तो y जीरो आ रहा है, इट मीन्स जीरो कॉमा जीरो। एक सॉल्यूशन ये हो गया। तो देखिए यहाँ पे x और y दोनों जीरो हो गया, तो अब हमें y जीरो पुट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं अगर y जीरो पुट करेंगे तो x भी जीरो ही आएगा। तो पुट x इज इक्वल्स टू वन, पुट x इज इक्वल्स टू वन, x की वैल्यू हम वन पुट कर देंगे। तो x अगर हम वन पुट करते हैं तो वन इज इक्वल्स टू फोर वाई। दिस इम्प्लाइज दैट y क्या मिलेगा आपको, वन बाय ये फोर क्या है नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो क्या मिल रहा है आपको पेयर, वन कॉमा वन बाय फोर। एक्स वन पुट किया तो y वन बाय फोर मिला। अब क्या कर सकते हैं हम, y की वैल्यू फोर पुट कर सकते हैं, पुट
y इज इक्वल्स टू 1, हम y की वैल्यू 1 पुट कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 3, 4 कुछ भी कर सकते हैं, तो हम y की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं. तो x इज इक्वल्स टू 4 इंटू 1 दैट इज 4. तो x की वैल्यू क्या है आप मिली 4. तो x की वैल्यू 4 मिली जबकि आपने 1 y की वैल्यू 1 पुट की थी. एक सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन, तीन सॉल्यूशन मिले. आपको एक और सॉल्यूशन फाइंड करना है फोर्थ, तो इस केस में आप y की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए. पुट y इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू हम 2 पुट कर देंगे. तो x इज इक्वल्स टू 4 इंटू 2 दैट इज 4 टू ज 8. x क्या मिला आपको 8, इट मीन्स x 8 मिला जब आपने y को 2 पुट किया. ये हो गया आपका फोर्थ सॉल्यूशन. चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4 एंड विच आर नॉट. क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि आपको चेक करना है इन सारे ऑप्शंस में से कौन सा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है और कौन सा नहीं. तो कैसे करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट है 0,2, इट मीन्स कि x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 2 है. हमेशा पहले x की वैल्यू लिखी जाती है, बाद में y की वैल्यू लिखी जाती है. तो आपको x की जगह पे 0 पुट करना है, y की जगह पे 2 पुट करना है. तो x की जगह पे 0 और y की जगह पे 2 पुट करके देखेंगे कि 4 आ रहा है कि नहीं. यानी अगर इनमें से कोई भी इसका सॉल्यूशन होगा तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो चलिए करके देखते हैं. तो क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए हमारे पास इक्वेशन यही थी, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4. सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट के लिए चेक करेंगे. x 0, इट मीन्स 0 माइनस 2 इंटू 2, वाई की जगह पे क्या पुट करना है 2. ये कह रहा है 0 माइनस 2 टू 4, 0 माइनस 2 इंटू 2 इज वॉट 4. तो 0 माइनस 4 क्या होगा, माइनस 4. क्या ये माइनस 4 इस 4 के इक्वल है, नहीं. तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, नो. फिर 2,0 के लिए चेक करते हैं, इट मीन्स x की जगह पे क्या पुट करना है आपको 2 माइनस 2 इंटू वाई की जगह पे 0 इज इक्वल्स टू 2 माइनस 2 इंटू 0 इज वॉट 0. 2 माइनस 0 क्या आएगा आपका 2. क्या ये 2 4 के इक्वल है, ऑफकोर्स नॉट, 2 कभी 4 के इक्वल नहीं होगा. तो ये भी आपका सॉल्यूशन नहीं है. फिर यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू आपको क्या पुट करनी है 4 और y की वैल्यू क्या पुट करनी है 0, 4 माइनस 2 इंटू 0. तो 4 माइनस 2 इंटू 0 इज वॉट 0, 4 माइनस 0 क्या आएगा 4. तो 4 क्या है, 4 के इक्वल है. तो 4,0 क्या है, आपके इक्वेशन का सॉल्यूशन है. अब आप फोर्थ पार्ट एंड फिफ्थ पार्ट भी करेंगे. तो फोर्थ पार्ट के लिए भी हम चेक कर लेंगे इसका सॉल्यूशन है कि नहीं. तो x की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम रूट 2, x इज इक्वल्स टू रूट 2 माइनस 2 इंटू y की वैल्यू क्या होगी 4 रूट 2. तो ये क्या आ जाएगा आप, रूट 2 माइनस 2 इंटू 4 इज वॉट 2, 4 ज़ा 8, 8 रूट 2. तो 8 रूट, ये क्या है, रूट 2 माइनस 8 रूट 2. आप चाहें तो दोनों में रूट 2 है कॉमन ले सकते हैं, हम चाहें तो रूट 2 कॉमन ले लें. तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 8, 1 माइनस 8 क्या होगा 7, इट मीन्स माइनस 7 रूट 2. क्या माइनस 7 रूट 2 4 के इक्वल है, बिल्कुल नहीं. माइनस 7 रूट 2 4 के इक्वल नहीं है. तो ये भी आपका सॉल्यूशन नहीं होगा. 1,1 के लिए चेक करेंगे, x की वैल्यू हम पुट करेंगे 1 माइनस 2 इंटू y की वैल्यू 1. 1 माइनस 2 इंटू 1 इज 2, 1 माइनस 2 क्या होता है माइनस 1, 1 माइनस 2 की वैल्यू क्या आएगी माइनस 1. क्या माइनस 1 4 के इक्वल है, ऑफकोर्स नॉट. तो ये भी क्या है आपका, इसका सॉल्यूशन नहीं है. 1,1 इज ऑल्सो नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. एक्सरसाइज 4.2 के लिए लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल्स टू 2 y इज इक्वल्स टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू k. क्वेश्चन कह रहा है कि आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है k की, अगर x इज इक्वल्स टू 2 और y इज इक्वल्स टू 1 क्या है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है. x इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 1 इसका सॉल्यूशन, इसकी मीनिंग कि ये जो वैल्यूज हैं इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देंगे और k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. तो फोर्थ क्वेश्चन के लिए हमारे पास इक्वेशन यही थी, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू k, जिसमें x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 1 इसका सॉल्यूशन था. तो वैल्यूज को पुट करेंगे, 2 इंटू x की वैल्यू क्या है 2 प्लस 3 इंटू y की वैल्यू क्या है 1 इज इक्वल्स टू k. 2 इंटू 2 इज 4, 3 वन ज़ा 3 इज इक्वल्स टू k. 4 प्लस 3 इज 7 इज इक्वल्स टू k. k की वैल्यू क्या आ गई 7, ऐसे लिख लीजिए k इज इक्वल्स टू 7. हो गया फाइंड. तो एक्सरसाइज 4.2 के लिए हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए. आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा. आगे के एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.